चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इस दौरान देखने को मिल रहा है कि राजनीति की दुनिया में हलचल लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ चुनाव के प्रचार में राजनीतिक दल जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ही तरफ देखने को मिल रहा है कि एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। जी हाँ, डोर टू डोर कैंपेन किए जा रहे हैं और वर्चुअल तरीके से लगातार चुनाव का प्रचार भी किया जा रहा है। बात की जाए यहाँ पर राजनीति की दुनिया में मशहूर यादव परिवार के बारे में। जी हाँ, भारत के राजनेता पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के बारे में तो काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है यादव परिवार। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि हाल ही में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल की है अपर्णा यादव ने और इस वक्त वह बीजेपी के लिए वोट मांग रही हैं। लगातार निशाना साध रही हैं अपोजिशन पार्टी पर। इसी दौरान देखा जाए तो यादव परिवार को लेकर कई राज भी खुल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। वेल, आज हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अपर्णा यादव की जेठानी यानी की पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव के बारे में। जिस तरह से अपर्णा यादव राजनीति की दुनिया में छाई हुई हैं, ठीक उन्हीं की तरह डिंपल यादव हमेशा से राजनीति की दुनिया में सुर्खियां बटोरती हुई देखी जाती हैं। डिंपल यादव और अखिलेश यादव को लेकर भी कई दिलचस्प किस्से सामने आ रहे हैं। वेल, आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे अखिलेश यादव और डिंपल यादव की प्रॉपर्टी के बारे में, उनकी करोड़ों संपत्ति के बारे में। हमने अपनी बीती पिछली रिपोर्ट में अपर्णा यादव की आलीशान जिंदगी के बारे में बताया था, लेकिन आज हम बात करेंगे डिंपल यादव और अखिलेश यादव की प्रॉपर्टी के बारे में। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे इस प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ दिलचस्प और हैरान कर देने वाले राज के बारे में भी। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इस वजह से देखने को मिल रहा है कि राजनीति की दुनिया में लगातार और भी तेज हलचल होती हुई नजर आ रही है। देखने को मिल रहा है कि सियासी दलों का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और भी ज्यादा तेज और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेता राजनेता जहां एक तरफ चुनाव का प्रचार करने में व्यस्त है, वहीं कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं अपनी ऑपोजिशन पार्टी पर निशाना साधने का। देखने को मिल रहा है कि नेता राजनेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और टिप्पणियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच नेता राजनेता की पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई राज खुल रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करने जा रहे हैं सपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव के बारे में। जहां एक तरफ राजनीति की दुनिया में अखिलेश यादव ने अपनी अलग पहचान बनाई, मुख्यमंत्री का ताज उन्होंने अपने सिर पर सजाया और अब अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ जहां एक तरफ राजनीति करियर को लेकर छाए रहते हैं, वहीं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी। अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने राजनीति की दुनिया में एक अलग ही पहचान बना रखी है और आज के समय में ये कपल करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। आज के समय में अखिलेश यादव और डिंपल यादव अपनी दो बेटियों अदिति और टीना और बेटे अर्जुन यादव के साथ काफी खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं। जहां एक तरफ मुलायम सिंह यादव के पास है एक आलीशान घर, इटावा में बेहद शानदार घर है मुलायम सिंह यादव का,
वहीं दूसरी ही तरफ अखिलेश यादव का लखनऊ में खुद का घर है। ये घर काफी खूबसूरत है, काफी आलीशान है। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आवास के बारे में बात की जाए, जिनका आलीशान घर इटावा में है। इस आलीशान घर में अपने दोनों बेटों अखिलेश यादव, अपने छोटे बेटे प्रतीक यादव और अपनी दोनों बहुओं और अपने पोते पोतियों के साथ और अपनी पत्नी साधना गुप्ता के साथ रहते हैं। वहीं उनके दोनों ही बेटे अखिलेश और प्रतीक के खुद के आलीशान घर भी हैं। बता दें आपको, लखनऊ में बेहद शानदार घर में रहते हैं अखिलेश और डिंपल। जहां एक तरफ आलीशान घर में रहते हैं अखिलेश और डिंपल, वहीं बात की जाए इनकी करोड़ों के संपत्ति के बारे में। बता दें आपको, हलफनामे में खुलासा हुआ था अखिलेश और डिंपल की करोड़ों की संपत्ति के बारे में, जब मैनपुरी की करहल सीट से उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। बता दें आपको, इस नामांकन में अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव और अपने बच्चों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है। हलफनामे के मुताबिक खुलासा हुआ है कि उनके पास तकरीबन 40 करोड़ की संपत्ति है। अखिलेश यादव के पास महज 1,69,000 और उनकी पत्नी डिंपल यादव के पास तकरीबन 3,32,000 रुपए नगद है। लेकिन इस हलफनामे के मुताबिक खुलासा हुआ है कि अखिलेश के नाम पर 7 बैंक खाते हैं और उनकी पत्नी डिंपल के नाम 11 बैंक खाते हैं। कमाई के मामले में अखिलेश यादव के बारे में बात की जाए तो मुख्य जरिया इनका है कृषि, लोकहित और वेतन और किराया। जी हाँ, इनके जरिए वह कमाई कर लेते हैं। डिंपल की आय के बारे में बात की जाए तो उनका स्रोत है पूर्व सांसद पेंशन, किराया और खेती। पति पत्नी इस तरह से करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। बैंक खातों में अखिलेश के पास 5,56,00,000 रुपए हैं, वहीं डिंपल के पास 2,57,00,000 रुपए हैं। दोनों की कुल संपत्ति मिलाकर हो जाती है तकरीबन 26 करोड़ से ऊपर। जी हां, अचल संपत्ति है। लेकिन यहां पर बेटी अदिति की संपत्ति को लेकर खुलासा हुआ है तकरीबन 10,00,000 है बेटी अदिति की चल संपत्ति। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ हलफनामे में करोड़ों की संपत्ति को लेकर खुलासा हुआ है, करोड़ों के आलीशान घर में अखिलेश और डिंपल अपने बच्चों के साथ रहते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि पत्नी डिंपल से अखिलेश यादव ने कर्जा भी ले रखा है। जी हां, अखिलेश यादव की सालाना आय 83,00,000 रुपए से ज्यादा की बताई गई है। वहीं डिंपल यादव की सालाना आय तकरीबन 58,00,000 रुपए बताई गई है। लेकिन इसके बाद ये खुलासा हुआ है कि अखिलेश ने अपनी पत्नी डिंपल से 8,00,000 रुपए के तकरीबन का कर्जा भी ले रखा है। अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ अपनी पत्नी से कर्जा ले रखा है, वहीं अखिलेश ने अपने पिता राजनेता मुलायम सिंह यादव को 2 करोड़ रुपए का कर्जा भी दे रखा है। पिता और बेटे के इस कर्जे को लेकर खुलासा हुआ है तो वहीं पति पत्नी के कर्जे को लेकर भी अखिलेश यादव ने 6 अन्य कंपनियों और लोगों को लाखों रुपए का उधार भी दे रखा है। अखिलेश यादव जो करोड़ों की संपत्ति के मालिक है लेकिन कर्जदार भी हैं, लेकिन दूसरों को उन्होंने उधारी भी दे रखी है। चुनाव से पहले नेता राजनेताओं की जिंदगी को लेकर ऐसे कई हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं जो लोगों को काफी ज्यादा हैरान कर रहे हैं। इस वक्त देखा जाए तो डिंपल यादव नजर तक नहीं आ रही है। कोरोना संक्रमित पाई गई थी बीते कुछ समय पहले डिंपल यादव, जिसके बाद वह चुनावी मैदान में नहीं उतरी हैं, ना ही वर्चुअल मीटिंग करती हुई दिखाई दे रही हैं और ना ही डिंपल यादव
चुनाव प्रचार के लिए अब तक आगे आई हैं, लेकिन अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। दूसरी ही तरफ डिंपल यादव की देवरानी यानी कि अपर्णा यादव काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। जब से बीजेपी का हाथ थामा है, अपर्णा यादव बीजेपी के लिए वोट मांग रही हैं और बयानबाजी को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। आप सभी ने देखा जाना कितने करोड़ों की इस संपत्ति के मालिक हैं पति पत्नी अखिलेश यादव और डिंपल यादव। काफी आलीशान जिंदगी जीते हैं अपने बच्चों के साथ और करोड़ों की इस संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन इस वक्त अखिलेश यादव काफी ज्यादा व्यस्त हैं चुनाव को लेकर और लगातार अपर्णा यादव को लेकर भी वह बयानबाजी करते हुए देखे जा रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सभी जानना चाहते हैं कि डिंपल यादव कहाँ है। डिंपल यादव अभी चुनावी मैदान में उतरी नहीं है। इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।